हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट। यह होता क्या है सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट? सीडलिंग क्या होता है? जब कोई सीड को हम गाड़ देते हैं मिट्टी में या मे बी वेजिटेटिव पार्ट को गाड़ देते हैं, तो उसका पहले रूट डेवलप करता है, फिर शूट डेवलपमेंट होता है, पत्ते आते हैं, फिर ऐसे करके पूरा एक सिस्टम बना हुआ रहता है। ठीक है, ये जो कम्प्लीट सिस्टम है, ये सिस्टम बनने को मतलब प्लांट सेल्फ सस्टेनेबल हो जाता है। ठीक है, उसको कोई भी न्यूट्रिशियस आइटम नहीं चाहिए होता है, कोई मदर प्लांट नहीं चाहिए होता है, वो अपने आप ही कम्प्लीट एक सिस्टम बन जाता है, उसको बोलते हैं सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट। तो इसके ऊपर आज का टॉपिक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का ये क्वेश्चन है, डिफाइन सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इट। जो सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट होता है, ये होता क्या है? सीडलिंग इट इज द डेवलपमेंट ऑफ ए यंग क्रॉप अप टू अ स्टेज व्हेन इट इज कंसिडर टू बी सेफ फ्रॉम नॉर्मल एडवर्स इन्फ्लुएंस एंड नो लॉन्गर नीड एनी स्पेशल प्रोटेक्शन। तो इसमें क्या होता है, कोई भी अगर हम सीडलिंग को ग्रो करते हैं, तो ये जब यंग स्टेज में, मतलब सीडलिंग स्टेज में जब होता है, फिर जब बढ़ता है, एक ऐसा स्टेज तक बढ़ जाता है जब उसको कोई भी खतरा नहीं रहता है, कोई एडवर्स इन्फ्लुएंस जैसे फ्रॉस्ट हो गया, हीट हो रहा है ज़्यादा, मॉइस्चर शॉर्टेज हो रहा है, ऐसा ड्रॉट हो, मतलब ऐसा कोई भी एडवर्स इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं आए। और दूसरा एक चीज़ है, इसको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, कुछ स्पेशल टेंडिंग ऑपरेशन हो गया ये नहीं चाहिए। तो ये वाला चीज़ होता है सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट। तो ये एक क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे और एक चीज़ आता है, टर्म आता है एकेसिस। ये जो सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट पहले वाला डेफिनेशन बोला, वो जनरली बेस्ड अपॉन द सिल्वीकल्चर। ठीक है, ये जो सेकंड टर्म है एकेसिस, ये आता है, ये एक सिनोनिम टर्म है सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट का। तो ये इकोलॉजी से आया है। तो ये क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्लांट इन टू ए न्यू एरिया फ्रॉम इट्स जर्मिनेशन टू रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एक प्लांट को जर्मिनेशन होने से, जब जर्मिनेशन मतलब सीड स्टेज से ये जब बढ़ के रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुंच जाता है, ये पूरा प्रोसेस को बोलते हैं एकेसिस। ये क्या होता है, अगर कोई प्लांट इन्वेशन होता है, इन्वेशन मतलब एक नया प्लांट आता है दूसरा प्लांट के एरिया से, एक नया प्लांट आता है, तो फिर वो इन्वेशन हो गया, फिर इन्वेशन होने के बाद एक सीड मतलब गिर गया, तो उसका पहले रूट आता है, रूट आने के बाद वो प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, ये जो ग्रोथ पीरियड को पूरा जब बढ़ के ये अपना लीफ आता है, फिर फ्लावरिंग आता है, तो ये जो स्टेज हो गया इसको एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी। ठीक है, तो कौन से फैक्टर है इसको अफेक्ट करता है सीडलिंग को? तो पहला फैक्टर है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर मोस्टली तीन तरह का होता है। एक तो होता है रूट डेवलपमेंट। तो रूट डेवलपमेंट में हम इतना जानना चाहेंगे, जो रूट डेवलपमेंट होता है, जो फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज होता है उसका जल्दी हो जाता है सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट दैन द स्लो ग्रोइंग प्लांट। फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज कौन हो गया, जैसे आकाशिया स्पीसीज हो गया, जैसे टिक हो गया, तो इसका फास्टर रेट होता है। ठीक है, और जो स्लो ग्रोइंग स्पीसीज होता है, स्लो ग्रोइंग स्पीसीज मतलब जैसे देवदार हो गया, कुछ पाइंस हो गया, तो इन लोगों का ग्रोथ स्लो रहता है। ठीक है, तो जो स्लो रहता है उसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट पीरियड बढ़ जाता है, जो फास्ट ग्रोइंग रहता है उसका एस्टेब्लिशमेंट पीरियड कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक बार। दूसरा चीज़ आ गया मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ द सीडलिंग। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ सीडलिंग, इसमें और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्लांट क्या करता है ना, कुछ ड्रॉट एरिया हो गया तो वो अपना पत्ता के ऊपर वैक्स कोटिंग आता है, कहाँ पे थॉर्नी थॉर्नी प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन ऑफ ए प्लांट टू ए पर्टिकुलर क्लाइमेट। तो प्लांट अपने आप मतलब खुद को ढाल लेता है क्लाइमेट के हिसाब से। ये हो गया मॉर्फोलॉजी ऑफ द सीडलिंग। ठीक है, तो जैसे हाई टैनिन कंटेंट इन टिक होता है, फिर कुछ प्लांट में मतलब कुछ टॉक्सिन हो जाता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन फ्रॉम अदर एनिमल्स अदर प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज़ भी आता है, ये जो एलोलो केमिकल्स होता है वो भी एक चीज़ फैक्टर आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ सीडलिंग में। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होता है, कहीं कहीं पे लीफ भी मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है, रूट भी चेंज होता है, तो ये सब होता है प्लांट को जल्दी से जल्दी एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, एक बार प्लांट एस्टेब्लिश हो गया, फिर ये वाला चीज़ मतलब जैसे हम सिमुल के ट्री देख लेते हैं। ठीक है, सिमुल के ट्री में क्या होता है, जब यंग होता है उसका मतलब स्टेम से पूरा कांटा कांटा निकला रहता है। ठीक है, ये जो थॉर्न निकला रहता है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये गिर जाता है और प्लांट पूरा मतलब क्लीन शेप में चला जाता है। तो ये होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ सीडलिंग। फिर होता है हार्डीनेस। हार्डीनेस मतलब कुछ प्लांट होता है जो कि एडवर्स सिचुएशन में सर्वाइव कर लेता है। तो ऐसा प्लांट अगर हम उस पर्टिकुलर ड्रॉट एरिया में वैसा प्लांट लगाएंगे, जैसे प्रोसोपिस को लगा दिया, ठीक है, तो वो एक हार्डी प्लांट हो गया ना, तो हार्डी प्लांट हो गया तो वो जल्दी से रेजिस्ट कर लेता है क्लाइमेट के हिसाब से, खुद को अडेप्टेबल बना लेता है, उसके हिसाब से वो वहाँ पे जल्दी सर्वाइव कर लेता है, जल्दी एस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन वहाँ पे अगर हम बात करते हैं काजुएरियाने को, काजुएरियाना होता है हमारा कोस्टल एरिया पे। ठीक है, कुछ इनलैंड सिचुएशन में होता है, कुछ स्पेसिस इनलैंड में भी होता है, लेकिन मोस्टली जो काजुएरियाना इकोसिटीफोलिया होता है वो मोस्टली कोस्टल एरिया में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कोस्टल एरिया का प्लांट हो गया वो वहाँ पे जल्दी फास्टर मतलब सर्वाइव कर लेता है दैन अदर प्लांट्स। एक जगह नीम लगाते हैं, एक जगह काजुरीना लगाते हैं, तो ऑब्वियसली काजुरीना कोस्टल एरिया में जल्दी एस्टेब्लिश हो जाता है। ये हो गया फिजियोलॉजिकल फैक्टर। देन अनदर फैक्टर इज एडाफिक फैक्टर, और सॉइल मतलब बोल भी सकते हैं। उसमें पहला चीज़ है मॉइस्चर। मॉइस्चर इज द प्राइमरी एलिमेंट टू एस्टेब्लिश ए प्लांट। अगर मॉइस्चर नहीं होगा प्लांट स्ट्रेस से मर जाएगा, ऐसे भी मर जाएगा। फिर दूसरा चीज़ आता है ऑर्गेनिक मैटर।
ऑर्गेनिक मैटर इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जिसको बोलते हैं क्या, ह्यूमस को बोलते हैं सोल ऑफ द सॉइल, ठीक है। सोल ऑफ द सॉइल इसलिए बोलते हैं कि विदाउट ऑर्गेनिक मैटर ए प्लांट कुड सर्वाइव बट कैंट एस्टेब्लिश। प्लांट यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है लेकिन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है, अगर इसलिए उसका मतलब डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, अगर मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हवा से कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गेनिक मैटर। तीसरा आता है सॉइल एरेशन। एरेशन जिस सॉइल में एरेशन प्रॉपर होगा वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जल्दी होता है, जहाँ पे प्रॉपर एरेशन नहीं होगा मतलब एक मतलब मार्शी एरिया हो गया वहाँ पे बहुत ही मतलब एरेशन बहुत ही पुअर कंडीशन में रहता है तो वहाँ पे ग्रोथ कैसे आएगा, नहीं आएगा। कोल्ड डेजर्ट हो गया है वहाँ पे एरेशन रहता है लेकिन वो मतलब सफिशियंट क्वांटिटी में प्लांट को हेल्प नहीं कर पाता है ग्रोथ करने के लिए, तो वो मतलब प्लांट ऐसे ही फिजियोलॉजिकली ड्राई हो जाता है, तो ऐसा सिचुएशन भी आता है। फिर दूसरा एक आ गया डेप्थ, ठीक है। डेप्थ मतलब सॉइल का डेप्थ कितना है, प्लांट तो जनरली वो 6 मीटर तक ग्रोथ करता है तो अगर सॉइल का डेप्थ जितना ज़्यादा होगा प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट उतना जल्दी होगा, क्योंकि प्लांट जल्दी से वो नीचे जो हमारा एक्वेफर रहता है तो वहाँ पे रिच कर सकता है, उसका रूट जल्दी इजिली पेनिट्रेट कर सकता है तो वो चीज़ जल्दी होता है और एस्टेब्लिशमेंट जल्दी होता है। लेकिन अगर डेप्थ कम है, सपोज वी कंसिडर एलुवियल सॉइल को एक जगह पकड़ते हैं, दूसरा पकड़ते हैं हमारा लैटराइट सॉइल को, तो ऑब्वियसली एलुवियल सॉइल में ही प्लांट जल्दी ग्रो करेगा दैन लैटराइट सॉइल, क्योंकि लैटराइट सॉइल में हार्ड पैन रहता है, हार्ड पैन उसको पेनिट्रेट कर सकता है प्लांट लेकिन वो लंबा टर्म उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, ठीक है। फिर ये एक आ गया और लास्ट फैक्टर आता है पीएच। पीएच मतलब कुछ प्लांट मतलब पर्टिकुलर पीएच में ही ग्रो करता है लेकिन जनरली अगर देखें एवरी प्लांट 6 to 7 वो आइडियल रहता है हर प्लांट के लिए। कुछ प्लांट रहता है वो एसिडिक पसंद करता है, कुछ होता है अल्कलाइन पसंद करता है, जैसे हमारा मान के चलिए साल को, ठीक है। साल को थोड़ा एसिडिटी एसिडिक सॉइल बेटर होता है, 4 to 4.5 to 5.5 उसका रेंज रहता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से पीएच भी मैटर करता है प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट के लिए। फिर आते हैं तीसरा फैक्टर है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में 3 मेजर फैक्टर आते हैं, लाइट, प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर, ठीक है। ये लाइट और टेम्परेचर तो सन के द्वारा रेगुलेट होता है, प्रेसिपिटेशन होता है हमारा डिफरेंट फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है, मे बी रेन होता है, मे बी स्नोफॉल होता है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है। पहले आते हैं लाइट को, ठीक है। लाइट को होता है लाइट के हिसाब से, ये मतलब कुछ होता है लाइट डिमांडर स्पेसिस, कुछ होता है लाइट बियरर स्पेसिस, सेट बियरर स्पेसिस, सॉरी। तो ये हो गया लाइट का फैक्टर, ठीक है। तो जो जिस जिस प्लांट को लाइट रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए मतलब शेड नहीं होना चाहिए प्लांट को, मतलब फुल सनलाइट चाहिए होता है, तो उस हिसाब से अगर फुल सनलाइट नहीं मिलता है तो वो प्लांट का डेथ हो जाता है, और प्लांट का वहाँ से डेथ हो गया तो वो एस्टेब्लिश कैसे होगा, ये होता है फैक्टर, ठीक है। दूसरा फैक्टर ऐसा है प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन मतलब एक एडिक्वेट रेनफॉल चाहिए होता है, इतना प्लांट को इतना टाइम में इतना रेनफॉल चाहिए तो वो होता है एडिक्वेट प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो अप टू एक सम एक्सटेंट प्लांट सर्वाइव कर लेता है, अगर उससे भी ज़्यादा होता है एक्सीड कर जाता है वो लिमिट, देन प्लांट बिकम ड्राई। अगर उससे कम हो जाता है तो वो भी सर्वाइव कर लेता है सम एक्सटेंट, लेकिन उससे अगर ड्राई हो जाता है तो प्लांट का डेथ हो जाता है। फिर एक फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, कुछ कुछ प्लांट मतलब ऐसे अभी बोला था अडेप्टेशन होता है ना, प्लांट में अडेप्टेशन होता है, सब प्लांट में अडेप्टेशन नहीं होता है, कुछ में होता है जिसमें और कुछ में नहीं होता है, जिसमें नहीं होता है ड्यू टू मतलब इंसोलेशन ज़्यादा हो गया, लो टेम्परेचर हो गया, तो वहाँ पर प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसलिए जो प्लांट सर्वाइव करता कर लेता है उसको हम हार्डी प्लांट जनरली बोलते हैं, हार्डी ने पहले डिस्कस किया था, वो हार्डी प्लांट बोलते हैं। जैसे हमारा हो गया डालबोचियासिस, वो मोस्टली जितना एक इन्विजिलेबल स्पेसिस रहता है और जितना भी हार्श कंडीशन में वो सर्वाइव कर लेता है। दूसरा आ गया कोनिफर्स, अगर कंसिडर कर लेते हैं कोनिफर्स मोस्टली हमारा जितना भी स्नोफॉल एरिया में मिलता है, वो कैसे मिलता है, क्योंकि वो अडोप्टेड अडोप्टेड है उस साइड के लिए और वो मतलब इतना हार्डी है वो मतलब फ्रॉस्ट का जो भी एडवर्स कंडीशन रहता है उसको वो सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट फैक्टर आ गया बायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर में 3 तरह का फैक्टर होता है, एक होता है वीड, दूसरा होता है वीड एंड ग्रासेस, फिर होता है ग्रेजिंग, ब्राउजिंग, बर्निंग, फिर होता है डिजीज, ठीक है। तो ये जो वीड और ग्रासेस होता है, एक तो वीड और ग्रासेस कंपटीशन करता है, तो कंपटीशन करने से प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट पीरियड बढ़ जाता है, ठीक है। अगर कंपटीशन कम होता है वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट पीरियड कम होता है। दूसरा बात, जो वीड और ग्रासेस होता है, कुछ वीड और ग्रासेस रहता है उसको इंडिकेटर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ होता है गुड इंडिकेटर, कुछ होता है बैड इंडिकेटर। अगर हम बात करते हैं स्ट्रोबिलान्थस, वो एक होता है ट्रिक के लिए बैड इंडिकेटर, ठीक है। क्लेरोडेंड्रॉन, पार्टोरिया, इन देवदार, ये सब होता है बैड इंडिकेटर, ठीक है। फिर कुछ होता है गुड इंडिकेटर जो फेवरेबल कंडीशन को शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बियोला, फ्लेमिंजिया, ये सब फेवरेबल कंडीशन को दिखाता है, ठीक है। फिर आता है ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग। तो ग्रेजिंग ब्राउजिंग ये तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फैक्टर है, मोस्टली जो डोमेस्टिक एनिमल के द्वारा ग्रेजिंग होता है, फिर ब्राउजिंग एनिमल जैसे हमारा जो लिप्स खाते हैं वो ब्राउजिंग एनिमल हो गए, तो ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फैक्टर है। लेकिन अगर अप टू सम एक्सटेंट इट इज़ बेनिफिशियल, सम एक्सटेंट मतलब कुछ मतलब प्लांट का मतलब ऐसा हो गया उसको जो इनिशिएट करने के लिए मतलब ऐसे
ग्रोथ को इनिशिएट करने के लिए कभी कभी ये पिंचिंग पिंचिंग एक वर्ड सुना होगा, तो ये पिंचिंग इफेक्ट आता है इसमें, तो वो अप टू सम एक्सटेंट इट इज हेल्पफुल बट मोस्टली डिस्ट्रक्टिव। और एक फैक्टर आ गया बर्निंग। बर्निंग बायोटिक फैक्टर कैसे हो गया, क्योंकि बर्निंग जो होता है इंडिया में जितना भी बर्निंग होता है, वर्ल्ड में जितना भी बर्निंग होता है, 95% कॉस्ड बाय ह्यूमन, ठीक है, बाकी जो 5% होता है वो मे बी वोल्केनो होता है, मे बी दूसरा फैक्टर को होता है। तो ये हो गया बायोटिक फैक्टर। तो ये तीनों बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। बर्निंग तो सबको पता होगा, फायर इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, ठीक है, अनकंट्रोल्ड फायर इज ऑलवेज अनफेवरेबल फॉर प्लांट एस्टेब्लिशमेंट। फिर आ गया डिजीज। डिजीज होता है मतलब बहुत सारे पाथोजन है, फंगस है, जो कि मतलब अटैक करने से एक बार प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट पीरियड बढ़ जाता है। तो ये वाला चीज़ को अगर हम रोकना चाहेंगे तो सीड ट्रीटमेंट, जो पहले सीड ट्रीटमेंट करते हैं, प्राइमिंग करते हैं, इससे ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और लास्ट आता है अदर फैक्टर। इसमें कुछ आता है ड्रिप, फिर आता है क्रॉप कंपोजिशन, फिर आता है डाइंग पैक। तो ड्रिप क्या हो गया, ड्रिप होता है एक प्लांट आ गया ना हमारा, ये सब सपोज ये एक प्लांट आ गया, ठीक है, सपोज ये एक प्लांट आ गया, तो ये जो प्लांट आ गया हमारे, ये प्लांट आ गया ऐसे है, ठीक है। जब बारिश होता है तो ये वाला जब बारिश गिरेगा ना, तो ये वाला जो एरिया होता है इसके अंदर ही पानी गिरता है, ठीक है, इसके बाहर नहीं गिरता है। तो इसके अंदर इसको बोलते हैं ड्रिप लाइन। तो ये ड्रिप लाइन के अंदर जितना प्लांट रहता है तो उसके ऊपर शेडिंग इफेक्ट आता है प्लांट का। फिर जब प्रेसिपिटेशन होता है तो मतलब ड्रॉपलेट जो पड़ता है, यहाँ पे बड़ा बड़ा ड्रॉपलेट पड़ता है, तो वो उखड़ जाता है, ठीक है। तो ये ड्रिप लाइन वाला ये एरिया में पर्टिकुलर जितना प्लांट होता है वो सर्वाइव लेट करता है, ठीक है, कंपेरिजन टू ये बाहर वाला प्लांट। तो ये आ गया एक फैक्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट फैक्टर आता है स्पेसिस कंपोजिशन। ये तो सबको पता होगा, क्रॉप कंपोजिशन जितना मतलब वेरिएशन रहता है तो एस्टेब्लिशमेंट जल्दी रहता है। अगर सोलो क्रॉप को लेते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट लेट होता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन होता है, प्लांट को सबको एक ही तरह का न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो लेट होता है। फिर एक आ गया डाइंग बैग। तो डाइंग बैग क्या होता है, अगर यहाँ पे हम मानते हैं, यहाँ पे एक ये मोस्टली कुछ प्लांट में बहुत कॉमन होता है, जैसे हमारा साल को ले लीजिए, फिर टर्मिनल लेटोमेंटोसा में होता है, टेरोकार्पस एंटेलिनस में होता है, बोम्बाक्स में होता है, बोसोलिया सेराटा में होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो सीडलिंग रहता है ना, ये सीडलिंग हो गया, तो ये इस पार्ट से ऐसे ऐसे ड्राई होता 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 नीचे नीचे आ जाता है, और कुछ ही पार्ट, ये वाला पार्ट ही जिंदा रहता है, बाकी ये पूरा मर जाता है। 1 ईयर होता है, 2 ईयर होता है, 3 ईयर ऐसे होता 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 अप टू 20 ईयर तक भी होता है। फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सा स्टेम आता है जो कि पूरा सर्वाइव करता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया डाइंग बैग। डाइंग बैग होने से एस्टेब्लिशमेंट पीरियड बहुत बढ़ जाता है। और डाइंग बैग क्यों होता है, उसके लिए मॉइस्चर का भी है, फिर कंपटीशन भी है, और दूसरा बहुत सारा फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं, आपको पता लग गया होगा सीडिंग एस्टेब्लिशमेंट पीरियड क्या होता है और क्या क्या फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।